नॉर्मली जब किसी का वजन बढ़ा हुआ होता है तो वो वजन घटाने के लिए जिम ज्वाइन करता है, और जब वो जिम ज्वाइन करता है तो वहां पे जो ट्रेनर है वो कहता है कि सर आप घर से ब्लैक कॉफी पी के आया करो, क्योंकि ब्लैक कॉफी पीने से ज्यादा एक्साइटमेंट आता है और आपकी जो एक्सरसाइज की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, तो आपका वेट लॉस होगा। तो ऐसी सलाह वो देता है। तो ये जो सलाह है वजन घटाने के लिए ब्लैक कॉफी पीने की, क्या ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सही सलाह है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, Flipkart समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक कॉफी डायबिटिक पेशेंट को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और डायबिटीज में कोई भी फूड कभी भी आपको यूज करना हो तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको देखना है वो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका ग्लाइसेमिक लोड, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जब आप न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा कि डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है या नहीं है। तो आज ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं तो ब्लैक कॉफी का न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर हम ब्लैक कॉफी को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर तो पानी ही है, थोड़ी सी कॉफी उसमें मिलाई जाती है। तो अगर हम उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज अगर ये नापने की कोशिश करेंगे तो वो नेग्लिजिबल सा मिलेगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो ग्लाइसेमिक लोड है ब्लैक कॉफी का वो भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है। अब ब्लैक कॉफी का ग्लाइसेमिक लोड तो नहीं है, इसका मतलब ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे तो इसको पी सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लैक कॉफी का दूसरा कंपोनेंट भी है। मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूं और जब मैं बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ब्लैक कॉफी के बारे में। तो जो ब्लैक कॉफी में एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं कैफीन, और कैफीन इज ए साइको एक्टिव ड्रग। ये वर्ड ध्यान से देखिएगा, साइको एक्टिव ड्रग। साइकोएक्टिव ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे दिमाग पे जाके असर डालती हैं। तो ब्लैक कॉफी में कैफीन होता है और कैफीन हमारे दिमाग पे असर डालता है, जिसके कारण हमें वो एक्साइटमेंट फील होता है, और उसके कारण जिम का ट्रेनर जो कह रहा था कि भाई आपको ये ब्लैक कॉफी पी के आना चाहिए क्योंकि ये साइकोएक्टिव ड्रग है। तो इसको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या साइकोएक्टिव ड्रग हमारे लिए ठीक है या नहीं है। ब्लैक कॉफी में जो कैफीन है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। कैसे करता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जैसे हमने ब्लैक कॉफी पिया और वो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसको जाके स्टिमुलेट करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रेनलिन ग्लैंड छोटी छोटी सी जो दो ग्लैंड होती हैं जो हमारे किडनी के ऊपर होती हैं। तो जो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एड्रेनलिन ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन निकालती है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस का हार्मोन है। तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है तो वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, वो हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, वो हमारे मसल में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसको हम जिम में यूज करते हैं ज्यादा पंप करने के लिए, ज्यादा वेट उठाने के लिए। इसलिए ब्लैक कॉफी वहां पे बताया जाता है ताकि हम ज्यादा वर्कआउट कर सके। लेकिन जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका दूसरा इंपैक्ट भी है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है ज्यादा शुगर बनाने के लिए, ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। और जब ज्यादा ग्लूकोज हमारा लीवर बनाता है तो वो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देता है। तो अगर कोई आदमी डायबिटिक है, उसने ब्लैक कॉफी पिया, तो ब्लैक कॉफी पीने से कैफीन अंदर गया,
उसने ब्रेन को स्टिमुलेट किया, ब्रेन ने एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, एड्रेनलिन ग्लैंड ने लिवर को स्टिमुलेट किया और उसने ब्लड शुगर लेवल बढ़ा दिया। तो डायबिटिक पेशेंट को ब्लैक कॉफी मेरे हिसाब से नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। तो एक प्रॉब्लम तो हमने ये देखा कि डायबिटिक पेशेंट अगर ब्लैक कॉफी पीता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो ब्लैक कॉफी है उसमें एल्कलॉइड होते हैं, एल्कलॉइड कुछ केमिकल कंपोनेंट है एल्कलॉइड, और जो एल्कलॉइड है ये बिटर होते हैं, कड़वा होता है टेस्ट। तो जब ब्लैक कॉफी पीते हैं बिना चीनी वगैरह का तो कड़वा लगता है उसको। तो जो कड़वापन है, जो ये बिटरनेस है, जब ये कड़वा पानी हमारे पेट में जाता है तो हमारे जो पेट की जो दीवारें हैं उसको इरिटेट करता है और इरिटेशन के कारण खूब सारा एसिड रिलीज हो जाता है। जब ये अंदर जाएगा तो इरिटेशन क्रिएट करेगा पेट में और खूब सारा एसिड रिलीज होगा, और जब हमारे पेट में ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो एसिडिटी होगी। तो ब्लैक कॉफी पीने का दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि पेट में एसिडिटी फील करेगा आदमी, डायबिटिक पेशेंट एसिडिटी फील करेगा। ठीक है, तीसरा, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो ये ब्लैक कॉफी होता है इसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं टैनिन्स, टैनिन्स। तो टैनिन की क्या प्रॉपर्टी है कि जो टैनिन है ये मिनरल के साथ में चिपक जाते हैं। तो जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इस टाइप के मिनरल अगर आपके पेट में है तो जो कॉफी है उसके साथ जाके चिपक जाएगा और उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो मान लीजिए आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं और साथ में सैलेड खा रहे हैं, तो सैलेड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल हैं कॉफी, उनके साथ चिपक जाएगा और उनको बॉडी में अंदर घुसने नहीं देगा। तो जो सैलेड का जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने तीन प्रॉब्लम देखी डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर वो ब्लैक कॉफी पीता है तो। सबसे पहला, ब्लैक कॉफी पीने से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ सकता है, और दूसरा, ब्लैक कॉफी पीने से पेट में एसिडिटी हो सकती है, और तीसरा, ब्लैक कॉफी पीने से मिनरल का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्लैक कॉफी मेरे ओपिनियन में कोई बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ब्लैक कॉफी पीना चाहते हैं तो जितनी कम क्वांटिटी में पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, Flipkart समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा।